हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीडी ब्लॉग्स। मैं हूँ प्रभाकर दोरगे और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कोरोना से बचाने के लिए जो ऐप लॉन्च किया हुआ है आरोग्य सेतु, वो कैसे वर्क करता है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर। तो दोस्तों, ये जो ऐप है, ये ऐप आपको फ्रीली प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसकी मेमोरी साइज सिर्फ 2.9 MB है, जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो कुछ जानकारी मैं बताना चाहूँगा इस ऐप के बारे में। व्हाट्सएप पे बहुत सारे फेक मैसेजेस स्प्रेड हुए थे कि ये ऐप आपकी पर्सनल जानकारी हैक कर लेगी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो ऐप है, आप इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी इसमें आपका पर्सनल डाटा इंटर करेंगे, वो एक क्लाउड पे सेव रहेगा और जिस दिन भी जब भी आप ये ऐप अनइंस्टॉल करोगे, उसके 30 दिन के अंदर ये क्लाउड से डाटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए ऐसे कुछ इसमें गलत नहीं है कि आपका कोई डाटा इससे हैक होगा या फिर आपका डाटा चुरा लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस ऐप में क्या क्या है। तो दोस्तों, इस आरोग्य सेतु ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे आप बाकी ऐप करते हो। ये सिर्फ 2.9 MB का ही है। मैंने अपने मोबाइल में ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो इसे अभी शुरू करते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऐप ओपन हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ आरोग्य सेतु। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऐप टोटल 12 लैंग्वेजेस में है, अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। वुड यू लाइक टू केप्ट इन्फॉर्म इफ़ यू हैव क्रॉस पाथ विद समवन हु हैज टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव? यस। देन नेक्स्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐप तो इंस्टॉल करेंगे ही सबसे पहले, लेकिन उसके बाद ब्लूटूथ और लोकेशन यानी GPS भी आपको ऑन करना है। ये ब्लूटूथ और GPS इसलिए ऑन करना है कि अगर आप किसी एरिया में जाते हो और वहाँ पे अगर कोविड-19 इन्फेक्टेड अगर पर्सन अगर आपके आसपास अगर रहता है, तो हमें नोटिफिकेशन आएगा उस ब्लूटूथ और GPS के थ्रू कि आपको आप के आसपास कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको ब्लूटूथ और GPS हमेशा ऑन करके रखना है आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो तो। और यहाँ पर जो लोकेशन शेयरिंग का जो ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर ऑलवेज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, द ऐप अलर्ट्स आर अकम्पनीज बाय इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू सेल्फ आइसोलेट एंड व्हाट टू डू इन केस यू डेवलप सिम्टम्स दैट यू नीड हेल्प टू सपोर्ट। नेक्स्ट, सो हम लोग यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐप परमिशंस है। आई एग्री। अलाउ आरोग्य सेतु टू एसेस दिस डिवाइसेस लोकेशन। अलाउ। आरोग्य सेतु वांट्स टू मेक योर फोन विजिबल टू अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस फॉर 120 सेकंड्स, यानी ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोल रहा है। अलाउ। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। सबमिट। यहाँ पे कभी OTP जनरेट होगा, OTP जनरेट हो चुका है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर्ड भी हो गया। अब डेटा अपलोड हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया ये ऐप कोई भी यूज़ कर सकता है। अभी तक 6 करोड़ लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा स्टेटस एंड यूएस स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक दो बार अपना सेल्फ असेसमेंट किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे यू आर सेफ। तो अगर आपको खुद का अगर सेल्फ असेसमेंट अगर करना है, तो यहाँ पे जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आपको सही आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फिर से अगर मुझे अगर टेस्ट करना है, अगर आपको भी अगर टेस्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है टेस्ट अगेन, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ पहले, इसलिए भी फिर से करते हैं। टेस्ट अगेन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा।
प्लीज़ गिव करेक्ट आंसर्स। अगर आप करेक्ट आंसर्स दोगे तो ही जाके वो करेक्ट रिजल्ट दिखाएगा, अदरवाइज रॉन्ग रिजल्ट दिखाएगा। आप ऐसे अगर टाइम पास के लिए अगर ऐप यूज़ कर रहे हो और आपने अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाली और एंड में अगर उसने बताया कि यू आर इन्फेक्टेड और आपको कोई इसके सिम्टम्स है तो आप क्वारंटाइन में जाइए, तो ये डेटा गवर्नमेंट के क्लाउड पर आप सेव होगा, तो आपको ही परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप जब भी ऐप यूज़ करो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप करेक्ट आंसर्स ही उसमें एंटर करोगे। ओके, गॉट इट। यहाँ पे इसने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ, आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, कफ, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग डिसीज, हार्ट डिसीज, नन ऑफ द अबो। हैव यू ट्रैवल्ड एनी वेयर इंटरनेशनली इन द लास्ट 14 डेज, नहीं, इसलिए नो। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू, आई हैव रिसेंटली इंटरेक्टेड और लिव्ड विद समवन हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, नहीं। I am a healthcare worker and I examined a COVID-19 confirmed case without protective gears, ये भी नहीं है। ये दोनों जो है मेरे केस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा none of the above। Your infection risk is low, we recommend that you stay at home to avoid any chance of exposure to the novel coronavirus। ऐसे यहाँ पे लिख के हुए आया हुआ है, अभी मैं ओके पे क्लिक करूँगा और एक बार ओके पे क्लिक करूँगा तो अभी यहाँ पे वो मुझे फाइनल रिजल्ट दिखा रहा है, यू आर सेफ़। तो यहाँ पे ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, अगर आप अगर टोटली सेफ होंगे, अगर टोटली सेफ होंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आएगा यू आर सेफ़। अगर आप में अगर कोरोना के अगर सिम्टम्स है तो ग्रीन कलर की जगह रेड कलर आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ यू आर इन्फेक्टेड या फिर यू आर इन डेंजर, सो आप क्वारंटाइन में जाइए, ऐसे कुछ मैसेज आ सकता है। तो गलती से भी आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत डालिए, अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर डालोगे तो यहाँ पे रॉन्ग ही रिजल्ट आएगा। अभी ये सेल्फ असेसमेंट के अलावा यहाँ पे और बाकी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे ये कोविड अपडेट्स ऑल ओवर इंडिया में अभी तक के, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कोविड-19 केसेस ओवरव्यू अपडेटेड 5 आवर्स 2 मिनट्स एगो, 21 अप्रैल 2020 में, ये 5 घंटे पहले का क्या स्टेटस है यहाँ पे दिया हुआ है, कंफर्म केसेस इंडिया में कितना है, रिकवर्ड कितने हैं, डिसीज कितने हुए, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट वाइज भी नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके स्टेट में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं और कितने ठीक हो गए और कितने डिसीज हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ई पास का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है नो ई पास अवेलेबल, व्हेन इशूड इट विल शो ऑफ ईयर। तो ई पास रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आंसर्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये ऐप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इजी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है कोरोना से आपको बचाने के लिए और बहुत ही छोटा सा ऐप है, सिर्फ 2.9 MB का ही है और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी ईजी है और उसका यूज़ कैसे करना है ये भी ईजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो आप ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नए नए वीडियोस के लिए आप बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड्स करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग PD व्लॉग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन।